अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रियल राहत और आप देख रहे हैं आरएस स्टूडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसला कश्मीर पर। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। बज़ाहिर पाको हिंद के शुमाल मगरी में एक रियासत जिसका कुल रकबा 69,547 मुरबा मील है। 1947 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। उस वक़्त भारत का 39,102 मुरबा मील पर कब्जा था, जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है। इसका दारुल हुकूमत श्रीनगर है, बाकी मंदा इलाका आज़ाद कश्मीर कहलाता है, जो 25,000 मुरबा मील के रकबे पर फैला हुआ है। उसका दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है। रियासत की कुल आबादी 1 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 2.5 लाख आज़ाद कश्मीर में हैं। बाकी हिंदू बादशाहों ने इस इलाके पर तकरीबन 400 साल हुकूमत की। 1846 में अंग्रेजों ने रियासत जम्मू और कश्मीर को 75 लाख रुपए में डोगर राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। कश्मीर की आबादी 80% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। हिंदू बादशाह ने मुसलमानों को तलवार के जोर पर गुलाम बनाए रखा। तकसीमो हिंद के बाद हिंदू महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ 26 अक्टूबर 1947 को रियासत के हिंदुस्तान से हलाक का ऐलान किया। इसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की शुरुआत हुई। सलामती कौंसिल की मुदाखलत के बाद 1 जनवरी 1949 को जंगे बंदी पर साइन हुए। 1948 में सलामती कौंसिल की तरफ से मंजूर की हुई 2 करारदारों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कहा गया कि वो कश्मीर से अपनी अपनी फौजें निकाल लें और वादी में रे शुमारी करें। हिंदुस्तान वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू रे शुमारी करने का वादा किया, लेकिन बाद में इसे मुकर गए। पाकिस्तान ने भारत से आज़ादी के बाद आज़ाद कश्मीर रियासत कायम की। कश्मीर का तनाज अब भी जारी है। पाकिस्तान और भारत ऐसे परमान तरीके से हल करने के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर खत पहाड़ों और खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। ये आसमानी वादी सियाहों की तवज्जो का मरकज है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।